पहले लोग घी हुजूरी करते थे, आज हम चिकन हुजूरी की कढ़ाई बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है नाज़रीन, मेरे ठीक होंगे जनाब। आज हम बना रहे हैं शाही खाना। तो शाही चिकन खाएं आप। ये प्याज है, आमलेट की तरह मैंने कट करी हुई है। ये भुना हुआ धनिया है, ये भुना हुआ जीरा है, ये टमाटर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसके साथ ये कसूरी मेथी है भुनी हुई रखी हुई है। अब मैं आपको आगे के प्रोसीज बता। हम प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है, हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हम हल्की ही फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे खूब अच्छे से। खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई करी है। अब मैं इसको ढक रही हूँ, अब इसे ढक के पकाएंगे। ये देखिए, अब ये जो हम तेल छान रहे हैं मुरकियों से ना, ये जो मैंने इसको भून लिया था ना मुर्गी को, इसमें से हम अच्छे से तेल छान लेंगे। ये तेल छन रहेगा। ये देखिए तेल छान दिया मैंने। अब इसको मैंने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया और तेल गिरा के साथ ही ये काली मिर्चें हैं पिसी हुई, आधी चम्मच ये डाल रही हूँ मैं, और ये भुना हुआ धनिया और भुनी हुई जीरा है, ज़ीरा 1 चम्मच है, धनिया 2 चम्मचें हैं, ये डाल रही हूँ मैं। ये 1 चम्मच मैंने नमक डाला इसके अंदर। अब इसके साथ ही मैं ये टमाटर ऐड कर दूँगी। ये देखें ये अच्छे से भुन जाएगा टमाटर के साथ। अब मैं इसके अंदर ये दही ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा दही डाला 2 चम्मच के करीब। इसके साथ ही मैं ये भुनी हुई मेथी है ये ऐड करूंगी मैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेथी है ये ऐड कर रही हूँ। अब ये इसके साथ ही मैं ये क्रीम ऐड करूंगी। एक दिन के लिए मैं इस क्रीम के साथ इसको पकाऊंगी। इसके साथ ही मैं ये थोड़ा सा जो तेल बच गया था ये तेल ऐड करूंगी इसमें। के साथ ही ये थोड़ी सी मैंने 2 हरी मिर्चें काट के रखी थी ये डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। आपकी ये शाही चिकन कढ़ाई तैयार है। आप लोग नोश फरमाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। ये देखिए बहुत मज़े की है।